लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं News 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। टीवी शो गुड़िया हमारी सप्पे भारी के प्रमोशन के लिए इंदौर आई सपना चौधरी। शो की मुख्य अदाकारा सारिका उर्फ गुड़िया के साथ जमकर थिरकी सपना चौधरी। पूर्व वित्त एवं गृह मंत्री पी चिदंबरम पर की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर किया पुतला दहन। भाजपा सरकार पर लगाए CBI और ED के दुरुपयोग के आरोप। बुरहानपुर में जन्माष्टमी पर कांच मंदिर से सतगुरुदेव बाल योगी पूरनदास उदासीन महाराज की निकली शोभा यात्रा। शनिवार को कृष्णा जन्माष्टमी के अवसर पर कांच मंदिर पर होगा कार्यक्रम। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी आज एक टीवी शो गुड़िया हमारी सफर भारी को प्रमोट करने के लिए इंदौर पहुंची, जहां सपना अपने चित परिचित अंदाज में नजर आई। इंदौर आई सपना चौधरी ने शो की लीड स्टार कास्ट सारिका बहरोलिया और सरताज गिल के साथ अपनी एक्टिंग का जोहर दिखाया। शो की मुख्य अदाकारा सारिका उर्फ गुड़िया के साथ सपना चौधरी ने अपने मशहूर गाने पर भी जमकर डांस किया। वहीं जल्द ही टीवी पर प्रसारित होने वाले अपने धारावाहिक गुड़िया हमारी सब पर भारी की अदाकारा गुड़िया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शो में उनके सिलेक्ट होने और गुड़िया के रोल के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के अनुभव को साझा की है। वहीं भाजपा में जाने के बाद पहली बार इंदौर से मीडिया से रूबरू हुई सपना चौधरी राजनैतिक सवालों से घिरती और बचती नजर आई, जहां उन्होंने PM मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें बेटियों के लिए चिंता करने वाला बताया। तो वहीं दूसरे सवालों से बचने के लिए सपना चौधरी चंद शब्दों में अपनी बात खत्म करके रवाना हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट News 29 इंडिया। पूर्व वित्त एवं गृह मंत्री पी चिदंबरम पर की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर पुतला दहन किया गया। प्रदेश कांग्रेस सचिव विवेक खंडेलवाल प्रवक्ता गिरीश जोशी ने बताया कि देश के पूर्व गृह मंत्री वित्त मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को CBI ED द्वारा भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इन दोनों संस्थान का दुरुपयोग करते हुए उनकी गिरफ्तारी आज करवाई गई, जबकि INX मीडिया के मामले से चिदंबरम का कोई लेना देना नहीं है। ये सब चिदंबरम द्वारा भाजपा और मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच उजागर करने के कारण केंद्र की सरकार द्वारा दुर्भावनावश ये कृत्य किया जा रहा है। CBI केंद्र सरकार का तोता बनकर भाजपा और मोदी सरकार के लिए काम कर रही है। इसी के विरोध में गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर CBI का पुतला जलाया। ब्यूरो रिपोर्ट News 29 इंडिया। आज CBI का और देश के गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कराया। जिस तरह से चिदंबरम साहब के खिलाफ इन लोगों ने साजिश पूर्वक तरीके से CBI का दुरुपयोग करा, ED का दुरुपयोग करा, इसके विरोध में आज हमने पुतला दहन कराया। एक ऐसी महिला जो अपनी बेटी की हत्या के आरोप में बंद है, उसके कहने पर उसको सरकारी गवाह बनाकर जिस तरह से उन्होंने उनके नाम पर FIR में चिदंबरम साहब का नाम ही नहीं है। आप पूरी चार्जशीट पढ़ लीजिए, उसमें कहीं नाम नहीं। हाईकोर्ट का निर्णय आता है, उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होती है। उस अग्रिम जमानत याचिका में भी नहीं लिखा गया कि उनको गिरफ्तार किया जाए, मगर ED और CBI ने नरेंद्र मोदी अमित शाह के कहने पर जिस तरीके से कल रात को उनको गिरफ्तार करा, उसी के विरोध में आज हमने पुतला दहन करा है और आगे भी निरंतर ये लड़ाई जारी रहेगी। जो चार्जशीट दायर की गई है वो आपने पढ़ी है? 26 पन्ने का निर्णय है हाईकोर्ट का। चार्जशीट दायर अभी नहीं हुई है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। 26 पन्ने का उनका निर्णय है हाईकोर्ट का, जिसमें नहीं कहीं भी किसी भी पन्ने पर नहीं उल्लेख किया गया है कि उनकी गिरफ्तारी की जाना चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि पिछले कई 15 बार से उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उनकी जमानत निरस्त कर दी है? मेरा निवेदन ये है कि आप भी पढ़े लिखे पत्रकार हैं,
आपको भी जानकारी है कि विगत 7 महीने से जो ऑर्डर उन्होंने 2 दिन पहले जज के रिटायर होने से 2 दिन पहले जज इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने ऑर्डर किसके कहने पे करा। हम किसी न्यायपालिका पे हम ना को आरोप लगा रहे हैं ना प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मगर जिस तरह के निर्णय त्वरित लिए जा रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं शंका कुशंका मन में आती है। इसी बात को लेकर हमने आज यह पुतला दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी का आरोप था कि जो सीबीआई है वो पिंजरे का तोता है, और अब यही आरोप बीजेपी पे लग रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने ना कभी ऐसा करा है, आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी कांग्रेस ने किसी सीबीआई या ईडी का दुरुपयोग करते हुए किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया हो। जो भी आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं ये निराधार आरोप हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं। बुरहानपुर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कांच मंदिर के सदगुरुदेव बाल योगी पूरनदास उदासीन महाराज की शोभा यात्रा शनवारा से निकली, यहां विभिन्न चौराहों से होते हुए कांच मंदिर पहुंची। पूरनदास उदासीन को कांच मंदिर की गद्दी पर विराजने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भक्तों में खासा उत्साह है। रास्ते में भक्तों ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कांच मंदिर में कार्यक्रम भी होगा। शोभा यात्रा में डॉक्टर श्यामदास पूरनदास उदासीन एवं स्वामी रामदास पूरनदास उदासीन सहित अन्य भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। कटिहार कोर्ट परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा उस समय देखने को मिला जब पति ने अपनी पत्नी पर चप्पल और घूसे की बरसात कर दी। अब मामला क्या है हम आपको बताते हैं। कटिहार के बलिया बेलोन की रहने वाली फूलो देवी की शादी 9 साल पहले चंदन शर्मा से हुई थी, लेकिन फूलो देवी के पति ने कुछ दिनों पहले दूसरी शादी कर ली। इसी से नाराज फूलो देवी ने अपने पति चंदन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जिसकी आज कोर्ट में सुनवाई थी। इसी दौरान जब पति पत्नी की आमने सामने भेंट हुई तो पहले दोनों में कुछ देर तक अनबन चलती रही, उसके बाद एकाएक चप्पल और घूसे चलने लगे। फिलहाल भीड़ तमाशबीन बनी रही, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पति पत्नी को सुलह के मकसद से लोक अदालत भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। कौन थे जिसके साथ मारपीट हो रहा था? चंदन के साथ, मेरे पति के पास। शादी हुई? कब शादी हुई? 2007। अभी क्यों मारपीट कर रहे थे? इसीलिए बड़ी भाग गया। कहाँ भाग गया? लड़की लेके। कहाँ कहाँ का लड़की लेके भागा? गाजीपुर का। शादी कर लिया? दूसरा? हाँ, दूसरा शादी कर लिया। 8 साल का लड़की है। अब क्या खाना खर्चा नहीं देता? नहीं देता। कैसे पता, कब मालूम चला आपको शादी कर लिया है? जनवरी पता चला। कौन है? हमारा पड़ोसी। क्या मामला है, क्यों मारपीट हो रही थी? जो है डोइट का केस किया है, इसका हस्बैंड दूसरा शादी कर लिया है, एक लड़की को भगा के दूसरा शादी कर लिया है, 8 साल का बच्ची है इसको, उसके रहते हुए दूसरे के साथ शादी कर लिया है। उसी का मामला चल रहा था, न्यायालय में आया था, उसमें जो है बाता बती हुआ और पति उल्टे जो है अपनी पत्नी को फूल देवी को मारपीट किया रोड में, यही तो मामला है। काला पीपल के झुंडी गांव में मां बेटे की कुएं में डूबने से मौत हो गई। मृतका विमलाबाई और उसके 5 वर्षीय बेटे हितेश के शव घर से 200 मीटर की दूरी पर कुएं में मिले। जानकारी के मुताबिक मृतका विमलाबाई के पति जीवन सिंह मेवाड़ा खेत में काम करने गया हुआ था। जब वह घर लौटे तो वह नहीं मिले। जब मां और बेटे की घर के आसपास तलाश की गई तो नजदीक में कुएं में विमलाबाई का शव मिला। वहीं बेटे हितेश की चप्पल भी कुएं में तैरती हुई मिली। बाद में दोनों के शव कुएं से निकाले गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची काला पीपल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि किसी ने उनकी हत्या कर उन्हें कुएं में फेंका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। काला पीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। सूचना दी थी टेलीफोन से कि कुछ एक औरत और बच्चे को मर गए हैं। सूचना पर थाना प्रभारी महोदय उस पर अफकोर्स लेके गए थे। वहाँ पे लाश को मृतक के परिजनों ने निकाल कर घर में रखा था, उसको पंचायतनामा लाश लेकर और जीरो पे मर कायम करके और लाश पीएम के लिए भिजवाया था, जो जांच की जाएगी, जिससे सबूतों की कार्रवाई की जाएगी। आत्महत्या का मामला लगा कुएं में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो जांच में पंचायतनामा लाश में से कोई चौंक या ऐसे किसान नहीं मिले जिससे मारपीट की गई। आपको किसने सूचना दी थी इसको? ये ग्रामीणों ने, सरपंच ने सूचना दी थी, सरपंच की मोबाइल सूचना दी।
अच्छा पति पत्नी वो बाला और उसकी माँ कुएं में गए उस टाइम उसका पति कहाँ पे था? उसका खेत में घास काटने गया था। उसको कैसे पता चला? वो वापस घर आया घास काटने गया था, वापस घर करीब 1 बजे आया तो उसने तलाश करी कि वो कहाँ है। तो उसके बड़े लड़के 7 साल का बच्चा, उससे पूछे कि बेटा तेरी मम्मी तो उन्हें छोटा बाल किसका है? तो बोले कि वो गए हैं मम्मी लेके गई है। तलाश करी नहीं मिले, फिर उन्होंने ग्रामीणों की मदद से ढूंढा तो जसमत सिंह मेवाड़ा हुआ है उसको तैयारी। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।